राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि शेरगिल भी हमारे साथ जुड़ गए। टिकैत साहब से एक प्रतिक्रिया लेके मैं रवि फौरन आपके पास आऊंगी। टिकैत साहब, अब बात कहां पर पहुंची है? आपने भी महापंचायत बॉर्डर पर करने का ऐलान किया है, पंजाब से किसान आए हैं, किन बिंदुओं पर? देखिए, कहीं ना कहीं तो सहमति बनानी होगी ना, सरकार भी अपनी तरफ से बातचीत में तमाम प्रस्ताव रख रही होगी, क्या समझ में आ रहा है, किन बिंदुओं पर आपको लगता है समझौता मुमकिन हो पाएगा? ठीक है, अभी सरकार की तरफ से तो कोई बिंदु पे प्रस्ताव या कोई आए नहीं उनकी तरफ से। अभी तो किसानों से वे मांग रहे हैं कि क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, वे मांगे हैं। अभी तो ये हुआ कि इस बिल को वापसी कर लो और बैठ कर फिर बात कर लो, और भी तो बहुत सवाल है ना, बिन से अलग भी बहुत सवाल है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। दो चीज आपसे पूछ रही हूं टिकैत साहब, जो सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में होगा, दो सवाल पूछ रही हूं। बताओ, आप कह रहे हैं कि तीनों कृषि बिल वापस ले तभी बातचीत होगी, या फिर हम ये माने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है, आप लोग चाहते हैं कि बिल में इसको शामिल किया जाए, एमएसपी की गारंटी हो, फिर आप लोग बिल को स्वीकार करेंगे? देखो, बिल में भी बहुत खामियां हैं और एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, दोनों चीज अलग अलग हैं। और जिस तरह का बिल आया है, इससे पूरा किसान बर्बाद होगा। जिस हिसाब से अबकी बार तो बिल आया है ना, एक डेढ़ महीना पहले, दो महीने पहले बिल आया, किसान का 1000 रुपया क्विंटल धान का कहां गया किसान को पता ही नहीं चला। यहाँ पे इस तरह के किसान है जिनके पास में 20 क्विंटल धान था, वो बेचकर यहाँ पे आया है, उसको सीधा 20000 रुपए का नुकसान हुआ, जिसने पूरा जीवन उसमें धान में उस जमीन में लगाया जिसके पास में 5-5, 6-6 बीघे जमीन थी। भाई एमएसपी को कानून बनाने में क्या दिक्कत इनको है? हमने ये थोड़ा कहा है कि सरकार उसका पूर्ण रूप से सरकार खरीद करेगी। आप तो कानून बना दो, जो भी व्यापार करेगा। अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? हम यहाँ सिंधु बॉर्डर पे है, अभी बॉर्डर पे ही, सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं। मुझे बताइए, सिंधु बॉर्डर के ऊपर है, पहले एमएसपी मिलता था? हाँ, सिंघू बॉर्डर पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था। जब ये कानून आ रहे हैं और देश के कृषि सुधार की बात हो रही है, तो एमएसपी क्यों नहीं होगा? और जिस तरह का जो कानून आया है, आप कह रहे पहले नहीं मिलता था, लेकिन बिल आने से आपको उम्मीद जगी है। क्लैरिटी से बात कीजिए ना, पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन बिल आने से एक उम्मीद जगी है कि इसमें सरकार शामिल कर दे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मैं कह रहा कि पहले जितना जितना सरकार खरीद करती थी, सरकार तो हम कह रहे कि आज भी उतनी खरीद करे, लेकिन जो बिल आया है इससे जो प्राइवेट कंपनी आई है उन्हें बहुत लोअर उस पे खरीद शुरू करी है, क्योंकि पहले भंडारण की कम व्यवस्था थी, अब इस बिल में भंडारण की व्यवस्था दे दी कि आप कितना भी भंडारण करो। तो बहुत बड़े बड़े जो धन्ना सेठ थे वे कृषि में आगे हैं, वे पैसा एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं और वे सस्ते में अनाज खरीद करके भंडारण की व्यवस्था करेंगे और महंगे में बेचेंगे। कह रही है आप बिल को खत्म करो ना पहले, आगे की बात। ठीक है टिकैत साहब, सरकार कह रही है जो धन्ना सेठ है, कॉर्पोरेट है, आप उसको मत बेचिए। किसान को ये फ्रीडम है कि जहां पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है या मंडी में वो पहले बेचता था, अच्छा वहां बेचे, जगह जहां बेहतर कीमत मिले वहां बेचे। मैं कह रहा कि आप वो जगह का नाम बता दो ना कि जहां बेहतर कीमत मिलेगी। ये सब बहकाने का काम कर रहे कि धन्ना सेठ को ना बेचो, व्यापारी को ना बेचो, आड़ती को ना बेचो, कहाँ बेचे वो जगह बता दो। ये कहते हैं कि कहीं भी बेच लो, जिसका जवाब कोई बाजार का नाम है, बिल्कुल कोई शहर का नाम है। देखिए टिकैत जी का हम सब सम्मान करते हैं और टिकैत जी किसानों से जुड़े नेता हैं, इन्होंने दो बिंदु उठाए, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का, और आपने जब इनसे पूछा कि इससे पहले कभी मिलता था तो उन्होंने ये नहीं कहा मिलता था हमने खत्म किया, बल्कि हमने लागू किया और जैसा मैंने कहा इसको खत्म नहीं किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। अब इनकी दूसरी कंसर्न है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं कॉरपोरेट जगत, ये किसान से कम मूल्य पे ना खरीद ले। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप बताइए, दो व्यवस्था बन गई, पहले एक होती थी केवल मंडी पे बिकता था और मंडी पे जब बिकेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकेगा, अब एक बाहर भी बाजार है जिस किसान को लगता है कि कम में खरीदा जा रहा है वो मंडी में जाके बेचेगा। टिकैत जी, वो बाहर क्यों बेचेगा? आपने कहा बेचे तो मंडियां हमने बढ़ाई है, हमने 2.5 गुना 3 गुना कर दी वो मंडियां, और अगर आपकी कोई भी मांग ऐसी आती है जिससे किसानों को सुविधा हो, जिससे किसानों को उनका हक मिले, तो बातचीत हो रही है, आप सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे विपक्षी नहीं है,
आप हमारा मान है, सम्मान है, किसानों से हम है और किसानों का मान हमेशा ऊपर है। ठीक है, मैं लूंगी टिकैत जी जवाब। रबी साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ। आपने किसानों को लेकर पहले भी गाने बनाए, आपको लगता है कि इस देश में हमेशा से जो अन्नदाता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है किसान लोगों ने, और शायद यही वजह है कि आज उनकी ये हालत है। आज अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हैं, उनको लग रहा है इस बार आर या पार की लड़ाई है। लिखित में ले लो कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, 2020 में भी वो अपने फसल की MSP मांगने के लिए आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। रवि साहब जी, अंजना जी, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार कभी भी किसानों के साथ नहीं थी। जो हरित क्रांति हुई उसका लाभ हम सब ने उठाया। मेरा परिवार किसान परिवार से संबंधित है। मैंने खुद एक साल कृषि करी है, तो ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को सरकार ने अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारे को बहुत फायदे मिले हैं, पंजाब के अंदर बिजली माफ होती रही है और इस तरह की चीजें होती रही हैं, सब्सिडीज और ये, पर ये एक किस्म का टोकनिज्म था। अब जो समस्या है हमारे सामने वो ये है कि सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है इससे पीछे हटना चाहती है। सरकार जो, जैसा कि हमने देखा है कि बड़े बड़े समाज के क्षेत्र हैं जिनसे सरकार पीछे हटती रही है, हेल्थ केयर से हटती रही है, जैसे आपने देखा निजीकरण हो गया है हेल्थ केयर का, जैसे हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का निजीकरण हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं आप रेल देख लें, आप हवाई जहाज देख लें, आप एयरपोर्ट्स देख लें, इन सब का निजीकरण हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे पीछे हटती जा रही है। तो इसके अंदर अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर सरकार पीछे हट जाएगी और दूसरा किसानों को अगर रिड्रेस करने के लिए हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स का सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? वो SDM के पास जाएंगे। SDM तो पहले काम के बोझ तले दबा हुआ है,